हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि अभी हम लोग अगस्त मंथ के करंट अफेयर के हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें अभी तक मैं आप लोगों को 3 पार्ट करवा चुका हूँ। इस अगस्त मंथ की सीरीज में मैं आपको टॉप 100 जो करंट अफेयर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने टोटल 42 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे 43rd क्वेश्चन, मतलब 43 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि विच टू कंट्रीज़ हैव एग्रीड द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट, नेमली अब्राहम अकॉर्ड। हिस्टोरिक अब्राहम अकॉर्ड नामक ऐतिहासिक शांति समझौते पर किन 2 देशों ने सहमति जताई है? तो ये तो सभी लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा आंसर क्या है, इज़राइल एंड यूएई। लास्ट क्लास में मैं आपको इज़राइल के बारे में बता चुका था। अब आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि यूएई का कैपिटल क्या है। क्लियर? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वॉज गिवेन द एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ गोवा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जगदीश मुखी, बी डी मिश्रा, सत्यपाल मलिक, विश्वभूषण हरिचंदन, फागू चौहान। क्या आंसर होगा इसका? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सत्यपाल मलिक। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कि भैया मेघालय का न्यू गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, किसका, मेघालय का, है ना, मेघालय का। तो आपका आंसर क्या होगा, सत्यपाल मलिक। कौन से गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गोवा का कौन से गवर्नर को गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है, तब तो आपका आंसर क्या होगा, भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर? तो देखो एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बन रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेघालय के सीएम और कैपिटल क्या है। मेघालय का सीएम और कैपिटल, ये दोनों चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया हेल्थ केयर वीक विच वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 17-21 अगस्त 2020। इंडिया हेल्थ केयर वीक के लिए विषय क्या है जो 17वीं और 21 अगस्त 2020 के 2020 के बीच मनाया गया था? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्या थी थीम, इंडिया हेल्थ केयर वीक, इंडिया हेल्थ केयर वीक की थीम क्या थी, तो रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर दी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, RRTS। दिल्ली मेरठ RRTS के लिए एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की थी? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बिलियन USD। क्लियर? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। RBI रिलीज्ड द फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट रिसेंटली, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अम्ब्रेला एंटिटी। तो इस क्वेश्चन का ये, वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम के लिए है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को SSC, रेलवे और बैंक, तीनों के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर बता रहा हूँ। क्लियर? तो इसमें बैंकिंग वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 500 करोड़। क्लियर? चलो, विच स्टेट यूटी रैंक टॉप इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWCs रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र,
के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है वो कौन सा है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा? पंजाब, है ना। अगर मैं यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बात करूँ कि टॉप में परफॉर्म किसने किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब। क्लियर। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर। चलो, रिलायंस रिटेल वेंचर्स हैज़ बॉट 100% डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ विच ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी रिसेंटली? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल, नेटमेंट्स। क्लियर। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किसे ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीदा है? आंसर क्या होगा? नेटमेंट्स। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020, कैंसर इन इंडिया में राइज फ्रॉम 13.9 लाख इन 2020 टू 15.7 लाख इन 2025। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट? ICMR। ठीक। अब हमें बताना है कि इस एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020, अच्छा ठीक, इन इंडिया, हमें बताना है कि ये जो ICMR की जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई थी। ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च। बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो ध्यान से, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो जो कैंसर है ना, जो कैंसर की जो बीमारी है वो 13.9 लाख 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 तक 15.7 लाख हो जाएगी। तो ये जो ICMR की जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो आंसर क्या होगा आपका? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, वो फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन का, मतलब NPCI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दी सब्सिडरी NPCI इंटरेक्चुअल पेमेंट लिमिटेड NIPL रिसेंटली। हु इज़ द CEO ऑफ NIPL? हमें बताना है कि CEO कौन है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? कौन है भैया CEO NIPL के? तो बिल्कुल यहाँ पर रितेश शुक्ला, है ना। रितेश शुक्ला जो है वो CEO है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के। क्लियर है सभी लोगों को इतनी चीज़? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ दी फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा फॉरेन बैंक है जो कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जिसने लॉन्च किया है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बिल्कुल HSBC इंडिया। सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, HSBC का फुल फॉर्म। क्लियर। जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट फॉरेन बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बुंदेलखंड? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संसाधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं बुंदेलखंड में? तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इज़राइल, इज़राइल ने किए हैं। क्लियर। ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ विच कंट्री? तो आपका आंसर क्या है? इज़राइल। किस किस चीज़ के लिए? वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, कहाँ पर? बुंदेलखंड में। क्लियर। आंसर क्या है आपका? इज़राइल। आगे चलते हैं। विच इज़ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया विच इज़ लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन एज अनाउंस्ड बाई हरदीप सिंह पुरी इन फिफ्थ एनुअल क्लीनलीनेस
अर्बन सर्वे ऑफ इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। देखो, वो कौन सी सिटी है जो कि 10 लाख से कम जिसकी क्या है पॉपुलेशन है और वो क्लीनेस्ट सिटी बन चुकी है किसके अकॉर्डिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आपका क्या है, इंदौर। बिल्कुल, ये जो इंदौर है ये चौथी बार भी क्या बना है, स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप पर आया है, फर्स्ट आया है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ वॉन दी 2020 हु हैज़ वॉन दी 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप एट क्रूसिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड। किसने 2020 विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप क्रूसिबल थिएटर थेफील्ड इंग्लैंड में जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोनी ओ सुलिवन, सॉरी रोनी ओ सुलिवन। क्लियर? तो हु हैज़ वॉन द 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप, 2020 में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोनी ओ सुलिवन। क्लियर? चलो, तो ये थे भैया हमारे आज के क्वेश्चंस। बचे वाले जो क्वेश्चंस हैं, हम हर एक जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे करेंट अफेयर के। क्लियर? हम लोग पार्ट वाइज कर रहे हैं, है ना। ये आपका कौन सा फोर्थ पार्ट था, 3 पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्लियर? ये जो जैसे ही हमारे जो टॉप 100 हमारे जो क्वेश्चंस ख़त्म होंगे, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो वहाँ से एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।